हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद, आपका मेरी चैनल अफगान एक्शन पे खुश आमदेद कहता हूँ। दोस्तों, एक ट्रेलर रिलीज हुआ और ये है पंगा। और ये ट्रू स्टोरी है और ये एक ऐसी स्टोरी है जो कबड्डी जो मशहूर है, बहुत मशहूर पाकिस्तान और इंडिया में, ख़ास करके जो काफ़ी खिलाड़ी होते हैं एक लकीर की उस पार इस पार अपनी दम और अपनी क़ुव्वत को आजमाते हैं। कमाल के अभी अफगानिस्तान की कुछ टीम बनी है और जो एक्ट्रेस हैं वो किसी एक्टर की कोई ज़रूरत नहीं उसके लिए। वो ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपने बलबूटे पे एक मूवी को हिट कर सकती हैं। ये हैं कंगना रनौत, जो कमाल के और बेस्ट एक्ट्रेस हैं इंडियन इंडस्ट्री में। आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप भी साथ रहें। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक करना ना भूलें। जया निगम, इंडिया कैप्टन 2010 और एक वक्त की सबसे बेहतरीन लीडर कबड्डी। तो एक ही टीम में है ना यार। दो रंगों में रंगी है, दो रूप में। क्या पापा, रात को फिर से पड़ी? तो चुपचाप अपना नाश्ता पूरा करो। गुड मॉर्निंग मैम। भैया गाड़ी धीरे चलाना। धीरे धीरे ही चलती है। मैं भी। आपको कुछ चाहिए? तो क्या हुआ, नहीं पहचाना? ये तो सच कह रहा है, कबड्डी वाले को कोई नहीं जान। सिर्फ इंडिया में क्रिकेटर्स और कुछ कुछ फुटबॉल भी इंटरेस्ट है, मगर कबड्डी जो बहुत जबरदस्त वहाँ पे फेमस है। तू जब इंसान का वक्त बदलता है ना, तो आसपास के लोगों का रवैया भी बदल जाता है। मम्मी की एज क्या है? 32। तो क्या 32 में कमबैक नहीं होता? किस्मत वाली है जो तुझे एक और मौका मिल रहा है। पर ऐसी बहुत सारी परेशानियां होंगी जो एक साल बाद ना तुम्हें याद रहेंगी ना मुझे। पर याद रहेगा तो सिर्फ ये कि तुम्हारे पास एक मौका आया था और तुमने वो जाने दिया। जय, तुम्हें लग रहा है कि तुमने भोपाल की लड़कियों को रगड़ दिया तो तुम इंडियन टीम में कमबैक कर सकती हो? कोशिश तो करने दे यार, फिर से पंगा लेना है। पंगा लेना है लड़की को? पंगा तो जरूरी है। जब तेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगा ना, और फिर जब तू इंटरव्यू देगी ना, तो सिर्फ प्रशांत का नाम मत लेना, अपनी मम्मी का भी नाम लेना। हर एक खिलाड़ी अपने लिए या अपनी टीम के लिए खेलता है। सिर्फ कुछ ही खुशनसीब खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको देश के लिए खेलने का मौका मिलता है। जिस उम्र में प्लेयर रिटायर होने की सोचते हैं, ये कमबैक करना चाहते हैं। मम्मी पता नहीं क्यों बड़बड़ा रही हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट मांग ही नहीं रही। अरे मैं तुझे सपोर्ट कर भी नहीं रही। अरे नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। नहीं मिलेगा तुझे मेरा सपोर्ट। अरे आगे बढ़ो ना भाई। गोंद के लड्डू तो लाए नहीं। कबड्डी खेलनी थी, कबड्डी। और ये भी चीनी में बनाए हैं। चीनी के साथ चाय कौन पीता है यार? गोंद के लड्डू नहीं लाए ना मम्मी? वाओ। अच्छा दोस्तों, कुछ ऐसे खास चीजें हैं इस मूवी में। पहले अपनी नेशन के लिए खेलना हर किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो कबड्डी वाले हो, चाहे फुटबॉल वाले हो, फिर इंडियन वाले जो वोमेन होते हैं अपनी कंट्री के लिए खेलता है वो बहुत बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद जो इसके हस्बैंड को दिखा रहे हैं और उसके बच्चे को संभाले, हस्बैंड ने सुबह की नाश्ता करके उसके लिए खाना पकाते हैं और अपनी वाइफ को ऐसे सपोर्ट करती हैं, ये बहुत ज़बरदस्त दिखाई हुई है इस मूवी में। मूवी कमाल के हैं और ये ट्रेलर देख के कुछ जज्बा
दिल में जगाते हैं कि जब ये मूवी को देखें तो अपनी वतन और जो जो खिलाड़ी वो अपने वतन के लिए खेलता है थोड़े सी इसको जज्बा मिलते हैं कि कैसा खेलते हैं, और जब वो अपनी नेशन अपने वतन के लिए खेलते हैं वो अलग सी जुनून और अलग से प्यार से खेलते हैं। तो ये कमाल के, और कंगना हमेशा के लिए ज़बरदस्त एक्टिंग की है इस मूवी में, और मूवी के लिए वेट करना पड़ेगा और मूवी आएंगे फिर देखेंगे क्या होगा। आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना ख्याल रखें।